इफ़ यू आर अ टीन और एन एडल्ट जो कि एनीमे देखते हैं, तो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और फिर इतना बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट करने के बाद अगर तुम बोलते हो कि मुझे अब एनीमे या मैंगा या फिर कॉमिक खुद बनानी है, मतलब मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ जो कि एक हेल्दी कॉन्टेंट बनाए जिससे उससे देखने वाले व्यूअर एंटरटेन के साथ इंस्पायर भी हों, देन अकॉर्डिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मेंटेलिटी यू आर मेंटली डिसेबल्ड। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के वर्ड्स हैं जो एनिमे या एनिमेशन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड थॉट्स नहीं बल्कि बचपना बोलते हैं। तो सबसे पहले तो कल जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की तो चैनल के सब्सक्राइबर थे 13, और आप सबके सपोर्ट की वजह से आज ये डिजिट पहुंच गई है 31 पर। मतलब यार बिल्कुल रिवर्स ही कर दिया है। तो इस मेगा सपोर्ट के लिए थैंक्स गाइज, लेट्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एज अ कम्युनिटी। और इसी के साथ चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस दिए थे, जैसे एल लॉलियट ने सजेस्ट किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक लो रखो, तो थैंक्स भाई वीडियो के लिए सजेशन देने के लिए, मैंने इस बार वीडियो में सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। एक और सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि जो वीडियो के अंदर तुम्हारा पीछे गेम प्ले चलता है उसे ब्लर मत करो, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। उन सब्सक्राइबर का नाम है राजा जी विज्ञान, थैंक्स भाई, ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी है। कॉमिक क्रिएशन और कंटेंट राइटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें तुम जल्दी या रश नहीं कर सकते। एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लॉट बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स और ब्रेन पावर लगती है। कई सारे आर्टिस्ट दिन रात का डिफरेंस भूल जाते हैं किसी एक कैरेक्टर को रिफाइन या क्रिएट करने में। इतना सारा टाइम, इतना सारा एफर्ट और बहुत सारा फाइनेंशियल पावर यूज़ करने के बाद एक अमेजिंग स्टोरी को वो लोग शेप दे पाते हैं। और इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग उन आर्टिस्ट को ये बोलते हैं कि तुम तो ये सब करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब पहली बात तो उन लोगों को 1% भी ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। वो बस आर्टिस्ट को डिमोटिवेट करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से बस ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो सब बकवास और वेस्ट है। अब एक क्रिएटर को इस टाइप के लोग दिन में 10 मिलते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्हें डिमोटिवेट करती है ना, वो ये है कि उनके कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी उनका सपोर्ट नहीं करते। अब इतनी सारी नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन झेलने के बाद भी कुछ आर्टिस्ट अगर एक कंटेंट को किसी तरह प्रोड्यूस कर देते हैं और जब वो उस कंटेंट को पब्लिश या फिर ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़े परसेंटेज में लोग उनसे ये बोलते हैं कि अब हमें कार्टून कंटेंट को पढ़ने के लिए पैसे दें। मतलब तुम डायरेक्शन समझ रहे हो कहाँ जा रही है। इतना एफर्ट और क्रिएटिविटी दिखाने के बाद भी एक आर्टिस्ट सही रिकॉग्निशन तो छोड़ो, एक सही फाइनेंशियल अमाउंट और एक डिजर्विंग फैन बेस तक क्रिएट नहीं कर पाता, जिससे एंड में क्या होता है, वो आर्टिस्ट या तो फील्ड को छोड़ देता है या फिर वो खुद ही एक हेटर बन जाता है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं किसी आर्टिस्ट को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं बस उन लोगों को जो कि क्रिएटर नहीं है उन्हें कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ, या फिर मैं बोलूँ रियलिटी के डार्क साइड बताना चाहता हूँ जो कि इंडियन कॉन्टेंट क्रिएटर हफ्ते में कम से कम 4 बार फेस करते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके नेगेटिव साइड्स अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो कई घंटों की वीडियो बनानी पड़ सकती है। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस फील्ड के सिर्फ नेगेटिव साइड्स ही हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने कंटेंट को रोकेंगे नहीं, उस पर काम कीजिए, आपको जो भी पसंद है उसे और क्रिएट कीजिए, उसे और डेवलप कीजिए। अब इन द एंड मैं बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा आर्टिस्ट है या फिर तुम खुद एक आर्टिस्ट हो तो उनसे बोलो और खुद भी समझो कि हमें होप तो लूज़ नहीं करनी है। कीप डूइंग व्हाट यू लव, और आपके कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए ही ये चैनल बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कोई पॉइंट या फिर कुछ ऐसा गलत बोला है तो कमेंट करके उसको भी ज़रूर बताएं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।